हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो है, ये इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने कुछ टाइम पहले, मीन्स 1.5 महीने पहले तो बाय किया था। तो ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो वॉलनट प्यूरिफाइंग पॉलिशिंग स्क्रब। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी मैं एक कैंपेन से जुड़ी हुई हूँ मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो प्लीज़ जाकर जरूर दोनों वीडियो देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो वॉलनट प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब। ये स्क्रब नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि जब मैंने इस स्क्रब को मंगवाया था तब तो मेरी स्किन ड्राई थी, मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई थी, बट अब भी वेदर चेंज होने के साथ मेरी स्किन थोड़ी ऑयली हो गई है। बट ऑयली स्किन होने के बाद भी मेरी स्किन पे पिंपल्स नहीं है। तो तब मैंने इसको यूज़ किया और पिछले 1.5 महीने में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। 1.5 महीने से आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने पर आ रहा है। तो इसी के बारे में आप चलिए पूरे अच्छे से जान लेते हैं डिटेल में। तो ये आप पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हो, इसकी पैकेजिंग नॉर्मल ट्यूब फॉर्म में है एंड कलर, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये और ये ग्रीन और चॉकलेट कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये 100 ml का प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 140 rupees। ये आपके लोकल मार्केट में आई डोंट नो मिलेगी या नहीं, लेकिन हाँ आपको ऑनलाइन ये आराम से मिल जाएगी। तो मैं इसकी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तब इसको कौन किस मतलब तो इस प्रोडक्ट को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए ये प्रोडक्ट जो है, ओके अब बात करेंगे इसके कैप की। तो कैप देखिए बहुत ही अच्छा फ्लिप फ्लॉप कैप है और ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत टाइटली ये बंद रहता है, लीकेज की कोई बात नहीं है। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए क्रीम फॉर्म में है और इसमें ये छोटे छोटे एप्रिकोट के पार्टिकल्स हैं जो आपके फेस को स्क्रब करता है, आपके जो डेड स्किन है उसको निकालता है, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को भी निकालने में हेल्प करता है। तो ये है, आपको आई डोंट नो दिख रहा होगा या नहीं। ओके, ये सारी डिटेल। ओके, एंड इसमें क्या है कि इसमें मतलब जो जो इंग्रेडिएंट्स है सारे पीछे मेंशन किया गया है, इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी मेंशन किया गया है। बट इस वीडियो के इनमें मैं आपको दिखा दूंगी इसको अप्लाई कैसे करना है और डेमो के साथ दिखा दूंगी। एंड ओके, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हर्बल है। तो इसमें क्या है, वॉलनट बार्क है, सनफ्लावर ऑयल है, मेथी सीड्स है, पुदीना लीफ है, नीम छाल है और जो बेस होता है वो है। इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताया गया है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये 100% आयुर्वेदिक है। वैसे भी जो बायोटिक के प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड वो मतलब केमिकल फ्री होते हैं। तो अच्छी बात ये है कि अफोर्डेबल एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये, तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्लेम क्या करता है। तो जैसा कि इसके ट्यूब पे लिखा है कि ये प्यूरिफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब है, तो जी हाँ, ये आपके स्किन से पूरे डर्ट को रिमूव करता है, जो आपके डेड स्किन है उसको रिमूव करता है एंड आपकी स्किन को पॉलिश दिखाता है। तो पिछले कुछ टाइम से मैं ये वाले स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इस स्क्रब को फर्स्ट टाइम ही यूज़ की थी और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, मैं इसको बिल्कुल रिपर्चेज करूँगी। एंड अभी आप देखने वाले हैं इसका डेमो कि इसको कैसे अप्लाई किया है और इंस्टेंट इसका रिजल्ट आपको दिखता है या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर स्क्रबिंग करके दिखाने वाली हूँ। अभी देखिए मेरा स्क्रब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा लिया और इसको अपने फेस पे पूरे फैला के अच्छे से स्क्रबिंग शुरू कर दी। नॉर्मल स्टेप होते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो वही स्टेप कीजिए। एंड इसको 2 से 3 मिनट ही अपने फेस पर स्क्रब करना, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा स्क्रबिंग करने से भी आपका फेस ख़राब हो सकता है और प्रेशर बहुत हल्के हाथों से लगाना, ताकि आपके जो ऊपरी लेयर का डेड सेल है वो रिमूव हो,
अंदर से कोई हार्श आपके स्किन को ना पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे फेस वॉश करने के बाद देखिए आप इंस्टेंट रिजल्ट देख रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा है मेरा फेस एकदम हेल्दी सी। तो देखा आपने कितना इजी है इसको स्क्रब करना, मैंने आपको डेमो भी दिखा दिया और साथ में ये भी दिखाया कि ये वॉश करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। अब मैं बता दूँ कि इसको कौन यूज़ कर सकता है, तो इसको साफ साफ लिखा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरी स्किन अभी ऑयली है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे पिंपल्स नहीं है। अगर आपके स्किन पे पिंपल्स हैं तो प्लीज़ इसको यूज़ ना करें क्योंकि इसके जो एप्रिकॉट है थोड़े से बड़े हैं। आप अगर पिंपल स्किन है तो आपको वैसे वाले आपको स्क्रब यूज़ करना चाहिए, जो जेल फॉर्म में जो स्क्रब आते हैं ना उसको यूज़ करना चाहिए, एकदम माइल्ड वाले स्क्रब जो आते हैं जो आपकी पिंपल्स को परेशान ना करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, टच करते ही रेड हो जाती है, तो भी आपको यूज़ इसको नहीं करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, यह नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है तो बिल्कुल वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्किन से अच्छे से आपके जो भी डेड सेल है उसको रिमूव करता है, स्किन के साथ हाथों में आपकी पूरी बॉडी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं इसको डेफिनेटली रीपर्चेज करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना और वीडियो को शेयर करना, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉग्स देखने पसंद है, अगर आप ब्लॉग पर्सन हो तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।